हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल मार्केट में जैसे आती है वैसी तरह से आप बिना ओवन के घर पे बना सकते हैं। बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसे बनाने के लिए। बच्चों को आप इसे टिफ़िन में देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, इनको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, बड़े साइज़ की है तो इसने हम किस लेंगे। तो एक बड़ा सा बाउल लिया है मैंने, और इसको हम छोटा वाला ग्रेटर आता है ना उससे किस लेंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं। तो किस के हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने लहसुन को किस लिया है, ये देखिए। और हम इसमें डालेंगे बटर। तो बटर में ना बिना सॉल्टेड लिया है, तो 2 चम्मच जितना बटर डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा ऑरिगानो डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि बटर बिना सॉल्ट वाला है। इसीलिए अगर आप सॉल्टेड बटर ले ले तो आप नमक स्किप कर दें। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा गार्लिक बटर बन के तैयार है। और यहाँ हमने तवा को गरम कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर को अच्छे से फैला लेंगे। तो बटर फैला लिया हम एक ब्रेड के एक साइड पे, बटर लगा के अच्छे से सेक लेंगे एक साइड। तो एक साइड अच्छे से सेक चुकी है, जिस साइड सेक चुकी है ना उस साइड हम ये बटर लगा देंगे। तो ये जो हमने बना के रखा है गार्लिक बटर, वो लगा देंगे हम अच्छे से। तो एक ब्रेड पे लग चुका है, एक दूसरी ब्रेड पे भी लगा देंगे इसी तरह से। तो देखिए अच्छे से लग चुका है ये, और हम इसको धीमी आंच पर सेक लेंगे दूसरी साइड भी। और ऊपर से हम डाल देंगे चीज। चीज़ हमने डाल दी है, और हल्का सा बटर डालेंगे, और नीचे की साइड भी अच्छे से सेक लेंगे हम। एकदम स्लो फ्लेम पर हमें इन्हें सेकना, ताकि क्रिस्पी हो जाए। और इसे कवर करके रख देंगे हम 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो गया, और इसे हम हटाएंगे। और देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है ये। तो इसे हम कट कर लेते हैं अब। तो रेडी है, और दूसरे को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं अब। तो गार्लिक ब्रेड को हमने सर्व कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको कैसी लगी अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट शेयर करें। आप बच्चों के टिफ़िन में देंगे तो उनको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। तो आप टिफ़िन में दे सकते हैं इसे। और आपको मेरी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।